आज मौसम अच्छा है भाई, और आज हम लोग जाएंगे अपनी बड़ी गाड़ी पे। पहले छोटी गाड़ी से कुछ सामान निकालना है। सामान असल में निकालना है कुछ चार्जर वगैरह, ये वाली केबल, सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाला स्टिकर, क्योंकि इस स्टिकर के बगैर मेरी एंट्रेंस हमारे एरिया में नहीं होनी, ऑफिस के एरिया में। चलो भाई चलते हैं, इसको करते हैं लॉक। चलो भाई इसको खोलें और सबसे पहले लगाएं इसको स्टिकर, ये लगाते हैं पहले इधर। चलो जी बेहतरीन हो गया, इसको लगाते हैं भाई इधर। चलो जी और गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। चलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब, खैरियत से हैं भाई। आज है हमारी पहली राइड बड़ी गाड़ी में, और आज मैं पहले दिन जा रहा हूँ ऑफिस इस गाड़ी में, और मैंने सोचा व्लॉग बनाते हैं और अपना एक्सपीरियंस आप लोग साथ शेयर करते हैं इस गाड़ी का, कैसी रही गाड़ी है, क्या सीन है। ठीक है तो चलते हैं भाई ऑफिस। यल्ला بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم। लो भाई वेरी स्मूथ, माशाल्लाह तबारक अल्लाह। पहुंचते हैं ऑफिस और आपको भी आज ले चलते हैं साथ में, और आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं न्यू गाड़ी का। लो भाई लोग, मैं पहुंच गया हूं अपने एरिया में। इस स्टिकर लगाने का यही फ़ायदा हुआ है ना कि यहाँ पे मुझे गेट पे रोका नहीं गया, क्योंकि अगर ये स्टिकर ना हो ना तो फिर इस एरिया में आना मुश्किल होता है ज़रा, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे 10-12 साल से काम कर रहे हैं, तो हर साल ये स्टिकर चेंज होता है एंट्रेंस का। खैर यहाँ पे रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी भाई लोग, और इस वजह से यहाँ पर पानी खड़ा हुआ है, और हुई थोड़ी देर है लेकिन हुई बहुत तेज़ है। खैर चलते हैं काम करते हैं, फिर जो जो होगा आपके साथ शेयर करते हैं इंशाल्लाह। तो भाई यहाँ पे तो पानी खड़ा हुआ है फुल टाइम भाई, आज गाड़ी यहीं पे खड़ी करनी पड़ेगी क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है, और अगर मैं इधर भी लेके जाता हूँ तो इधर भी बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हुआ है, पैदल आना भी मुश्किल हो जाएगा, तो बेहतर है भाई इधर ही खड़ी कर देते हैं। अच्छा भाई अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए, मेरे साथ तवाब साहब हैं जो कि इस वक्त कैमरे में आना नहीं चाह रहे हैं, कह रहे हमें खाना खिलाओ ट्रेड दो, तो अब इनको शवरमे के ट्रेड फिलहाल कर खाने लगे हैं इस पे। इनको गाड़ी भी जरा दिखाते हैं। नहीं भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, ये ऐसे ही है, और इसको हम लोग सीटों को आगे पीछे भी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा आगे हो जाए ना तो इसका जो ट्रंक है ना वो बड़ा हो जाएगा। ये दो बंदे आए नहीं थे पीछे, आराम से रहते हैं, देखो ना इसको भी पीछे करेंगे ना पीछे आराम से बंदा लेट सकता है, बेड बन जाता है। ये सारी बेड भी बन जाते हैं लॉन्ग रूट थे ना, इसमें आराम से सामान आ सकता है, बड़ा बेहतरीन। फिलहाल इसको ऊपर करते हैं, आपको आज राइड करवाते हैं नई गाड़ी की। चले भाई यल्ला, इतना मैं शवरमा दे शवरमा ही खाने लगा फिलहाल तो अभी सजी वो भी पाकिस्तानी 1500-1500 आए कड़क पंजा पंजा शवरमा लेके तो बेड लगा ले भाई जान। अच्छा भाई रात को ना यहाँ पे ना काफी तेज बादल गरजे हैं और बारिश हुई है बहुत ज्यादा। अभी मुझे तवाब बता रहा है कि इनके पास एक दोस्त था पाकिस्तानी, कटिंग करता था यहाँ पे लड़कों की, तो वो बादल इतनी जोर से गर जाए कि वो बेचारा सोया हुआ था, डर के मारे उठा एकदम, उसका हार्ट बीट तेज हुई है, हार्ट अटैक हुआ बेचारा, फोत हो गया। और रात को ऐसी कोई बिजली चमकी है कि कह रहे थे कोई 10-15 दिन ना ये जो आसमान था ना सफेद ही ऐसे था, किसी ने 100 वाट का बल्ब चला दिया अल्लाह ताला ने, और कमाल की रात को बारिश हुई। सुबह 5 बजे तक हुई बारिश, सुबह 5 बजे तक बारिश हुई। चलो अल्लाह ताला उसका गरीब रहमत करे। लो भाई हम लोग पहुँच गए शवरमा इलक। ये गाड़ी ऊंची है थोड़ी सी, चल तो आ गया थोड़ा जा। 3 लार्ज शवरमा विदाउट जुबना,
बड़ा शर्मा बिदुन जुबना हाँ सब कुछ है कुलशी हाँ कुलशी और हाँ सब हाँ स्पाइसी और तीन कोल्ड ड्रिंक्स कितने पैसे? ये देखो भाई हमारी कंपनी की रोटी है यहाँ पे मिलती है, शवरमा रेडी हो रहा है अभी, ये चिकन है अभी तैयार हो रहा है। ये देखो भाई जुबना और भी ऑर्डर जुबना आ गया भैया, चीज़ स्लाइस हाँ हमारा भी दो जुबना है, बतातस केचप शत्ता, ये भी एक इनकी चटनी है मिर्चों वाली। चलो भाई हमारा शवरमा आ गया, चलें ऑफिस पहुंच गए हैं और गर्मा गर्म अभी भी गर्म ही है शवरमा, शवरमा खाते हैं अपनी कंपनी की ब्रेड का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम घर आज काम कुछ ज्यादा नहीं था तो मैं सोचा निकल रहे जल्दी क्योंकि बाद में पार्किंग का बड़ा मसला आ गया था अपने एरिया में। यल्ला चलो भाई घर पहुंच गए, खत्म। अस्सलाम वालेकुम जी, हाँ बाबा बड़ी गाड़ी लेके आए थे। आप क्या पी रहे हो भाई? कोई हाल नहीं है, की हाल है अम्मा जी? अम्मा जी का आज रोज़ा है, फ्रूट चाट खजूर, कितने रोज़े पेंडिंग है आपके? 13? चलें अल्लाह खैर करे। जी जनाब आज का ब्लॉग ख़त्म करता हूँ यहाँ पे, उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा, गाड़ी की राइड अच्छी है, स्मूथ है, मज़ा आया। हर चीज़ में कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, एडवांटेजेस भी होते हैं, लेकिन गाड़ी बेहतरीन है, अच्छी है, बहुत अच्छी है, स्मूथ है, ऑब्वियसली एक्सीडेंट से तो बहुत अच्छी है। खैर वीडियो ख़त्म करते हैं, यहाँ मिलते हैं दोबारा नई वीडियो के साथ, बहुत ख्याल रखिएगा, दो भी याद रखें, अल्लाह हाफिज़।